आज क्या हुआ है यहाँ पे? मैं डॉक्टर एस के पाठक, ब्रेथी जी हॉस्टल अस्सी वाराणसी से। जैसे कि आपने देखा, आचार्य जी यहाँ के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 80 के आसपास लोग हैं, उनका आज कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। ब्रिटिश साल में पंजीकरण काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन आज शुभ घड़ी थी, चूँकि हमें शिवरात्रि के बाद लगाना था, इसलिए मैंने आज का दिन चुना। तो मैं यहाँ के बुज़ुर्ग को, यहाँ के जो नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, सबसे अनुरोध करूँगा, जिनको भी कोविड वैक्सीनेशन लगाना है, वो अपनी पोर्टल पर जाके, कोविड वैक्सीन पोर्टल पर जाके रजिस्टर्ड करके, ब्रिथी हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करके, और वहाँ पर अपना प्री रजिस्ट्रेशन कर लें, जिससे उनको कोई परेशानी हो। कल भी टीकाकरण का कार्यक्रम है, अगर कल किसी को भी आना है तो पहले से रजिस्ट्रेशन कर लें, जिससे उनको लंबी कतार से छुटकारा मिलेगा। मैं चाहूँगा जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं, सभी कोरोना जैसे महामारी से दूर रहें, बचें, और इस वैक्सीनेशन से 80% चांस है कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन अपने मास्क, सैनिटाइजर, जो 2 गज की दूरी है, वो मेंटेन रखें। डॉक्टर साहब, क्या कई लोगों को एक दिन में टीका लगाया जाएगा? कैंप में देखिए, ये शेड्यूलिंग 10, 10, 20, 30 की मल्टीपल पे होती हैं। आज 10 लोगों का हुआ, कल 20 लोगों का है, ऐसे ही जिनके जिनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, 10, 10 के मल्टीपल पे टीका लगाया जाए। ठीक।